रख दो बाहर लेके। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं यहाँ से फाइनली। अब दोबारा मदीना जाएंगे। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, चाय मैंने पी ली है। नाश्ता हमारा हो गया था होटल के अंदर ही, लेकिन चाय अच्छी नहीं मिली थी तो बाहर निकल के मैंने चाय पी है। और बस अब हमारा सफ़र शुरू हो गया है और अल्लाह करे हम सात खैरियत के पहुंच जाएं। और आई होप के इस दफ़ा हम 7 घंटे में ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि रास्ते में हमें कहीं नहीं रुकना है। आते वक्त जो है हम 2 शहरों में रुके थे, खैबर में भी और अलोला में भी, तो हमारा सफ़र जो है वो 12 घंटे का हो गया था। लेकिन अब जो है हम डायरेक्ट ही मदीना जा रहे हैं, तो अब इंशाल्लाह ताला 7 घंटे में हमें पहुंच जाना चाहिए। ये सफ़र जो है ना बड़ा थकाने वाला होता है। दिखने में जो है ये बड़ा ही, मैं स्पीड टेस्ट कर देती हूँ तो पता भी नहीं चलता, ऐसा लगता है कि हम 2 मिनट में पहुंच गए, लेकिन वाकई ये बहुत ज़्यादा टायरिंग होता है। बहरहाल कोई बात नहीं, इतना अच्छा मुक़दस सफ़र होता है, इतने अच्छे शहरों में मैं घूम रही हूँ तो इसलिए उसकी थकान का एहसास भी इतना ज़्यादा नहीं होता। और बस मैंने कहा रास्ते में थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत हो जाए कि जो हमारी ओवरऑल जो इकॉनमी है, हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। और बस सबके लिए दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला जो जो परेशान हाल हैं, अल्लाह मियाँ उनकी परेशानियां दूर करे, जो बीमार हैं उनकी बीमारियाँ दूर करे, सेहत व तंदरुस्ती अता फ़रमाए। और वाकई हर घर में इतनी परेशानियाँ हो गई हैं, दिखने में हमें ऐसी लगता है कि अगला बंदा जो है वो बहुत खुश है और उसकी ज़िंदगी में कोई गम नहीं है, ऐसा होता नहीं है। और हर बंदा जो है वो कहीं ना कहीं उसके साथ कोई ना कोई परेशानी जुड़ी होती है। और आजकल तो परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं कि हर घर में जो है, इस्पेशली फाइनेंशियली जो है हमारे मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और तनख्वाहदार जो लोग हैं उनका गुजारा बहुत मुश्किल है। तो उनके लिए, सब के लिए दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला उन सब समेत हमारी भी जितनी परेशानियाँ, अल्लाह ताला बीमारियाँ, तकलीफ़ें, उन सब को दूर कर दे अल्लाह ताला। और बस ये जो अब सफ़र है हमारा मदीने में, इंशाल्लाह ताला हम 1 दिन रुकेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कंटिन्यूसली इतना लंबा सफ़र करना बहुत मुश्किल है। तो 1 दिन मदीना में रुक के और फिर हम वापस जो है अपने दमाम की तरफ जाएंगे और फाइनली हमारी जो वेकेशंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और हमारा सफ़र जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो जाएगा। तो बस दुआ के साथ खैरियत के हम पहुँच जाएँ। और अभी जो है हम रास्ते में रुकेंगे ज़रा कुछ खाने पीने के लिए और उसके बाद जो है फिर दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। और देखते हैं, बस मदीना में एक दफ़ा फिर जा रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के प्यारे नबी जो है उनका शहर है वो, और उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल बता चुकी हूँ, घुमाया भी है मैंने आपको। तो बस उस शहर की तो बात ही अलग है, अल्लाह ताला ने उस शहर में ख़ास सुकून रखा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जितने भी मैंने शहर अभी तक घूमे उसमें सबसे अच्छा जो है मुझे मदीना के अलावा, मक्का मदीना के अलावा मुझे तबूक बहुत अच्छा लगा। बहुत ही छोटा सा, प्यारा सा, खूबसूरत सा, साफ़ सुथरा सा शहर है और बहुत पीसफुल शहर है। मतलब बहुत सुकून मुझे वहाँ पे लगा, बहुत अच्छा लगा। स्पेशली वहाँ के लोगों का जो बिहेवियर था वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग मदीना में भी रुकते हैं और मक्का में भी हम लोग पहले रुके हैं। तो वहाँ पे जो है मुझे लोगों के रवैये जो है ना, जैसे कि होटल वगैरह वाले लोग होते हैं उनसे ही हमारा इंटरेक्शन होता है, तो वो इतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता लगा है जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, बस एवरेज होता है, कुछ ख़राब लोग भी मिलते हैं, हर जगह ही होते हैं। लेकिन तबूक में जो हमारे होटल वाले थे वो भी बहुत अच्छे थे और बहुत नरम मिजाज, अच्छे सीधे साधे से मुझे लोग लगे, तो बहुत अच्छा मुझे तबूक बहुत प्यारा लगा। और उसको छोड़ते हुए ज़रा दिल दुख रहा था। एनीवेज़, वापस तो घर ही जाना होता है। ये भी अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है इतनी सारी जो है जगहें घुमाई हैं, ये उसका करम है कि उसने हमें इतनी सारी चीज़ें मौका दिया, इतनी सारी मुक़द्दस जगहों को देखने का। और अरब की तो पूरी सरज़मीन ही मुक़द्दस है, हर ज़मीन से जो है, हर ज़मीन के टुकड़े से जो है कोई ना कोई याद वाबस्ता है, कोई ना कोई क़िस्सा वाबस्ता है।
तो बस अल्लाह ताला ये सफ़र सबको नसीब करे इस तरह के, और हमें बीइंग अ मुस्लिम जो है अल्लाह ताला हिदायत दे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा भटक गए हैं। क्योंकि अभी जो मैंने ये व्लॉग्स बनाए हैं इसके सिलसिले में जो है मैंने काफ़ी रिसर्च भी की है, जैसे मैं जितनी भी जगहों पे गई हूँ तो उनके बारे में मैंने पढ़ा है, उनकी हिस्ट्री पढ़ी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ का एहसास हुआ है कि वाकई हमारे जितने पैगंबर हमारे नबी गुजरे हैं उन्होंने हम लोगों के लिए कितनी मुशक्क़त काटी है, और उन्होंने मुसलमान हुए तो उसका उन्होंने कितना बड़ा उनके ऊपर मुसीबतें आई, उनके ऊपर आजमाइशें आई हैं अल्लाह ताला की, और वो उसमें से सुरखरू हुए हैं। और हम देखें कि इतनी सी भी हमें कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो हम जो है वो रोना धोना शुरू कर देते हैं, ना शुक्रापन शुरू कर देते हैं। तो हम कैसे उम्मती हैं अपने प्यारे नबी के, हम किस तरह के उम्मती हैं, हम किस तरह के मुसलमान हैं, हम लोग बहुत ख़राब हो चुके हैं। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझ समेत आप सबको भी ईमान की सलामती नसीब करे, और मरते वक्त कलमा शहादत नसीब हो, आमीन सुम्मा आमीन। बस जनाब उसमें जो है मैंने ज़्यादा कोई नहीं बनाया है मदीना के अंदर जो है वो, मैं व्लॉग जो है वो नहीं बना सकी हूँ क्योंकि थकन इतनी हुई हुई थी और पूरा दिन, और फिर दोबारा हमें सफ़र करना था, तो मुझे जाहिर सी बात है कि फिर मैं हम रेस्ट ही कर रहे थे ज़्यादातर, तो हम बस एक दिन हमने रेस्ट किया है होटल में और फिर हम दूसरे दिन निकल गए हैं। और अभी ये जो है रियाद आ गया है, यहाँ की बिल्डिंग से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, आते वक्त भी मैंने आप लोगों को रियाद की बिल्डिंग्स और यहाँ की खूबसूरती दिखाई थी, तो इसका अलग ही पता चल जाता है जैसे ही रियाद शुरू हो जाता है। तो बस ये अब हमारा वापसी का सफ़र है, इंशाल्लाह साथ खैरियत के हम रात तक पहुँच जाएँगे, और बहुत जल्दी बहुत अच्छी अच्छी और वीडियोज़ आने वाली हैं इंशाल्लाह। मेरा एक और सफ़र भी शुरू होने वाला है बहुत जल्द, तो उसकी भी वीडियोज़ आएँगी। इसी तरह से आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आप लोगों की कमेंट से, आप लोगों की लाइकिंग से। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक मेरी वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।